इटकी प्रखंड के चिनारोपुरियो पंचायत में मंगलवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी और योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने समस्याओं के निदान के लिए 1742 आवेदन दिए, जिसमें से 1653 मामलों का तत्काल निपटारा किया गया। कार्यक्रम में सोना सुवर्ण योजना के तहत जरूरतमंदों के बीच धोती साड़ी और कंबल का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा जॉब कार्ड, वृद्धा पेंशन, केसीसी ऋण स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर वरीय पदाधिकारी विनय कुमार, बीडीओ गौतम प्रसाद साहू, सीओ रश्मि लकड़ा, सीडीपीओ नयाब जेबा, सरिता एक्का, मुर्तजा आलम, मोइनुद्दीन, डॉक्टर शिवानंद कासी, सन्नी बाखला, मजाज अहमद, रमेश महली, सुजीत सिंह सहित अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद थे। जो ये सभा कार्यक्रम में हम लोग भाग लिए, उसमें हम लोग एक घंटा पहले आवेदन किए। जो आवेदन के तहत हम लोग को जो ये अनाज हम लोग को तुरंत में दिया, इसके लिए जनगण सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पंचायत भवन में आपका अधिकार आपका सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उसका नीचे तबके के लोगों को ऑन द स्पॉट जाकर लाभ पहुंचाना और उनकी जो समस्याएं हैं उसका त्वरित निदान करना। इसी के तहत आज हम लोग पूरे प्रखंड प्रशासन के सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जो योग लाभुक है उसको हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं। जो चिनारोपुरियों में सरकार आपके द्वार के अंतर्गत जितने भी भूमि से संबंधित मामले आए हैं उनका त्वरित निष्पादन कर दिया गया है और ग्रीन कार्ड से संबंधित जो भी फैमिली एडिशन या नया राशन कार्ड का हम लोगों ने अग्रसारित कर दिया है जिला आपूर्ति पदाधिकारी को, वहां से अग्रसारित होकर के नया राशन कार्ड भी बन गया है बहुत लोगों का। और आपदा से संबंधित जो भी आवेदन है वो भी प्राप्त है, उनको भी हम लोग निष्पादन जितना जल्दी हो उसके कल तक करने की कोशिश करेंगे। अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिसके बारे में हम सभी यहाँ पर आकर के समुदाय के लोगों को विस्तृत जानकारी दिए। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन आए जैसे कि सुकन्या योजना के, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के, दो विकलांग के लिए आवेदन आए यहाँ पर और भी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषकर जो वृद्ध महिला है उन्हें टीकाकरण के बारे में विशेषकर जागरूक किया गया। बहुत सी महिलाएं टीका नहीं ली थी अब तक, जिन्हें बताया गया कि उनसे क्या लाभ है और टीका निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए ताकि बीमारी से बचाव हो सके।